बाबा, महाभारत के अंत में द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? पहले ये समझना है कि पांडव कौन है, जिन्हें पांच पांडव कहा जाता है वो भारतवासी हैं, वो कौन है? उनमें युधिष्ठिर है सूर्यवंशी, सूर्यवंशियों को इंट्रोड्यूस करने वाला युधिष्ठिर, और चंद्रवंशियों को माने क्षत्रियों को इंट्रोड्यूस करने वाला भीम, और बौद्धियों को दिखाने वाला इंट्रोड्यूस करने वाला अर्जुन, और सन्यासियों को इंट्रोड्यूस करने वाला नकुल, और सिखों को इंट्रोड्यूस करने वाला सहदेव। अब इन पांचों की पत्नी है द्रौपदी, और द्रौपदी के पांच पुत्र हैं, तो इन धर्मों से जो सहयोगी धर्म निकले हैं वो ही पांच पुत्र हैं, उनका कोई खास गायन नहीं है। और बाबा, द्रौपदी को सूर्य से हांडी मिली थी तपस्या करने के बाद, तो उसमें वो जो पकाती थी खाना सबको परोसने के बाद सबको खिलाने, जितना चाहे वो खिला सकती थी, जितने लोग चाहे आकर खा सकेंगे, लेकिन जब तक वो जब वो खा लेती थी तो खाना खत्म हो जाता। लेकिन जब कृष्ण आया उसके पास, उसे भूख लगी थी तो उसके पास खाना नहीं था, लेकिन हांडी में एक दाना चावल बचा था, और उस सप्त ऋषि, कौन ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि कौन मैं भूल चुके, वो ऋषि आए थे अपने पेट भर गया उनका, हाँ, लेकर आए थे खाने के लिए, ब्रह्मा भोजन पर आए थे, तो उसी सब द्रौपदी के खाने के बाद आए थे, तो उनको कौरवों ने भेजा था ना कि ताकि वो श्राप दें द्रौपदी को, श्रापित करें। आप एक एक बात पूछे ना, आप पूरी कहानी सुनाएं। हांडी, हांडी के एक चावल से कृष्ण उसको बचाने आया ना, तो जब वो एक चावल खा लेता है तो सारे ऋषि लोग जो नहान स्नान करने गए थे वो उधर ही से उनका पेट भर गया। पूरी कहानी नहीं सुनाई, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुबह पूछना चाहती हूँ रहस्य, हाँ, कि ये हांडी में वो जो एक दाना, थोड़ा दाना बचा, हाँ, तो उससे कृष्ण का पेट भर गया, हाँ, एक दाना, हाँ, माना कृष्ण तो स्वयं ही योगीश्वर है, और जो भोजन दिखाया गया है वो भोजन बेहद का है, कौन सा? याद का ही भोजन है, आत्मा तो याद के भोजन से तृप्त होती है, ज्ञान है पानी और याद है भोजन, लेकिन वो भोजन पकता तब है जब द्रौपदी रसोई को पकाती है, तो द्रौपदी जो है वो योग में परिपूर्णता लाने वाली है, और योग भोजन हो गया, सब पांडवों ने खा लिया, खा लेने के बाद द्रौपदी ने भी ले लिया, अब उसमें वो तो समझ रहे थे कुछ नहीं बचा होगा, इसलिए घबरा गए, लेकिन थोड़ा सा दाना, एक दाना था, माना कुछ को न कुछ बच गया, वो योग की पावर जो बची भगवान के पास आने से तो वो संपूर्ण हो जाता है, उसको कहते ही है पूर्णमिदं पूर्णमदाय पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, उसमें एक चावल मिला वो ही संपूर्ण हो गया, उनका भी पेट भर गया, वो तो विश्वपति है, और दुर्वासा का भी पेट भर गया, खाए बिना ही पेट भर गया। भगवान का पेट भरेगा
तो किसका नहीं भरेगा? सबसे ज्यादा योगी बड़ा कौन है? याद का भोजन सबसे ज्यादा करने वाला कौन है? भगवान ही है। उसका पेट भरेगा तो सारे विश्व का भर जाएगा। और बाबा कैलाश का मतलब दो अर्थ निकलते हैं। कैलाश मतलब कैलाश, लाश जो पहला मतलब जो बाप को नहीं पहचानते तो वो मर गए ऐसा लाश, और दूसरा जो देह अभिमान से मर गए तो वो लाश बन गए। तो इसके बारे में क्लियर कीजिए। तो जो देह अभिमान से मर जाते हैं वही ऊंची स्टेज में जाते हैं। कैलाश ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। तो जो पहाड़ दिखाया गया है कैलाश पर्वत, वो इस समय की यादगार है जहाँ सब मुर्दे बने पड़े हैं, अर्थात देवान से मर जाते हैं। उसी ऊंची स्टेज में भगवान रहता है। वो मुर्दों की बात नहीं जो दुनिया भी मुर्दे हैं। हाँ जी, माता जी को तो करो ट्रांसलेशन। कोई तो ट्रांसलेशन करो इनको। शी आस्क द क्वेश्चन अबाउट कैलाश, कैलाश विच इज द हाईएस्ट स्टेज, हाईएस्ट स्टेज एंड विच इज those who die of body consciousness, mm-hmm. they reside in the highest stage. Mm-hmm. It is not with respect to the physical death, mm-hmm. it is with respect to the गंगा का क्लियर नहीं हो रहा है बाबा। गंगा का क्लियर नहीं हो रहा है। किसका? गंगा का पार्ट क्लियर। गंगा, हाँ। गंगा का पार्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा? गंगा आदि में थी, गंगा अंत में निकलेगी। गंगा तो पवित्र नदी है। पवित्र नदी वो है जो सत्व प्रधान ज्ञान लेती है। सत्व प्रधान ज्ञान इसलिए लेती है कि वो स्वयं कन्या है। जो माताएं होती हैं वो उतनी पवित्र नहीं होती है, बुद्धि भी पवित्र नहीं होती है उतनी। वो तो सत्व प्रधान समय में ही ज्ञान लेती है और स्वयं पवित्र कन्या है, इसलिए उसका जल भी पवित्र होता है, ज्ञान जल। उसकी प्रत्यक्ष बेसिक में भी आदमी थी वो गंगे दादी, जिनका नाम था वो गंगे, वो भी कानपुर की इंचार्ज थी। अच्छा। और एडवांस में भी होती है। एडवांस में जब एडवांस ज्ञान निकलता है तो सबसे पहले वो ही ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सुनती है, लंबे समय तक सुनती है और कानपुर में ही रह करके सुनती है। इसीलिए बोला है कानपुर से गंगा निकली। पूछा है अव्यक्त बाप दादा ने, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? इतना कह के छोड़ दिया। तो इलाहाबाद में तो गंगा जी का गायन है, कानपुर में तो गाय नहीं है, लेकिन बात यहाँ की है। ओ माता जी को ट्रांसफर। बाबा ने जो बताया वो ट्रांसलेट कर दी इंग्लिश में इसके लिए। गंगा के बारे में जो बाबा ने बताया तो ट्रांसलेट करके सुना दो। आप तो फटाफट से बोलते हैं। चलो पूछिए आगे, चलिए। इनका प्रश्न हो वो अलग से समझा देंगे।
नहीं, पूछ रही है. हाँ जी, हाँ जी. फॉर हाउ लॉन्ग बाबा कितने समय तक ब्रह्मा बाबा गुलजारदारी में आते रहेंगे, ये प्रश्न है. ब्रह्मा बाबा तो चंद्रमा है, चंद्रमा. चंद्रमा जब पूर्ण मासी हो जाएगी, पूरा चंद्रमा हो जाएगा, तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है पूर्णमासी को और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है. जब तक सूर्य उदय नहीं होगा, ज्ञान सूर्य भगवान जब तक उदय नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, तब तक चंद्रमा कैसे अस्त हो जाएगा? वो आता ही रहेगा गुलजार दादी. बाबा सेड ब्रह्मा बाबा मीन्स द मून ऑफ नॉलेज. Moon of knowledge up until he becomes full moon. हाँ, जब सूर्य उदय होगा तो वो गुप्त हो जाएगा. Moon sets down. When the sun rises, the moon sets down. छुप जाएगा. तो आप जान सकते हैं आप कि चंद्रमा कब अस्त होगा. ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कब तक आता रहेगा? You yourself can recognize till what time the moon of knowledge will be coming over there. कब तक आता रहेगा? Till when he will be coming? 2018 when sun. जब तक सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा. Revelation of sir. हाँ जी, हाँ जी. Until the revelation. हाँ. क्या मतलब? इसका मतलब है गुलजार दादी जो है 2018 तक तो जीवित रहेंगे ही रहेंगे ना. 2018 एकदम एग्जैक्ट नहीं है, वो तो है, तो अंदाजिया बताया है. 2018 कांट भी 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2018. You can't predict it exactly as 2018. It is just an approximate date. It could be 2016, 2017, 18. Anyway. 76 के हिसाब से है. 76 है प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है संपूर्णता वर्ष. संपूर्णता वर्ष के बाद फिर बाप प्रत्यक्ष हो जाता है. 1976 is the year of revelation. 1977 is the year of completion. So from there उसमें 40 वर्ष जोड़े जाए तो 2018 आता है. So you add 40 years to that. So 2018 will come. बाबा पिछले सीजन में ये एक दिन ब्रह्मा बाबा नहीं गए थे दादी गुलजार में. पिछले सीजन क्या? इसी सीजन में ढेर सारे मॉरिशन गए थे, वो बीके लोग गए थे, वापस आ गया. वापस आ गए. जाने से पहले एक बीके है वहाँ पर जो लौकिक में परिवार लगती है, उसको मैनी ने सेंटर पर लगवाया था उसको. तो अभी वो इंचार्ज है रिट्रीट सेंटर की. तो वो जा रही थी तो लंबे अरसे से वो मुझसे बात नहीं करती थी जब से मैं एडवांस में आई थी. तो इस बार जाने से पहले मुझे फोन किया, कहा कि वो जा रही है मधुबन बाबा से मिलने. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा आओगी तो अपना अनुभव सुनाना, आना अनुभव सुनाने. तो कहा आएगी. तो जब जाकर वापस आई तो कई लोगों ने सुनाया कि बाबा नहीं आए थे. और जब उससे फोन पर मैंने पूछा अनुभव सुनाओ, अनुभव सुनाने वाली थी ना, तो बाबा मिले थे? तो कहा हाँ मिले थे. तो मैंने कहा मैंने सुना था दादी गुलजार बीमार है, तो क्लास नहीं हुआ था, बाबा नहीं आए थे. तो बोले कि नहीं अगला आए थे ना, दादी गुलजार को लाकर बिठाया गया था स्टेज पर, वो आए बाबा आए थे, मिले हम. कैसेट कहाँ है? जान लिया कि वो वीसीडी कहाँ है. झूठ बोल रहे हैं. माता जी सेड इन लास्ट सीजन अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मॉरिशियस दे वेंट टू माउंट आबू. लास्ट सीजन नहीं, इसी सीजन में. लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट अक्टूबर.
इसी साल की 2013 की बात है, 2013 की बात है क्या? वो अभी गई थी, अभी की बात है, अभी गई थी हमारी, जब बाबा बीमार हुए, बता तो दिया दिल्ली वाले में, दिल्ली की क्लास में बता दिया था ना, वही बात है। जब हमारे आने से पहले वो लौटी, व्हाट शी सेड वाज़, इन दिस वेरी ईयर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मॉरिशस दे वेंट टू मीट बाप दादा, but she got to know from her contacts that Avyak Bap Dada's class program was not arranged. Then later on she called someone and they said no, they brought Dadi Gulzar to the stage, we met Avyak Bap Dada, all this. So when she said this to Baba, Baba said, so you should have the recorded VCD or the video of that incident, no? So where is that? It's not there. So it shows that. मैंने कहा आपका पूछना है बाबा क्यों नहीं आए, है? लेकिन ब्रह्मा बाबा एडवांस का ज्ञान भी तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? है? ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनको अभी तक भी पूरा एडवांस ज्ञान तो बुद्धि में नहीं बैठा है, बच्चा बुद्धि है, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी बुद्धि में बात बैठ जाती है। तो उधर गुलजार दादी बीमार थी बेसिक में, इधर एडवांस का बाबा भी बीमार था, हॉस्पिटलाइजर हो गया था, गुलजार दादी भी को वहां जाना बाबा ने उतना जरूरी नहीं समझा। यहाँ एडवांस में बाबा जहाँ हॉस्पिटलाइज था, यहाँ भी काल के गाल में जाने वाला था, तो बाबा ने यहाँ ज्यादा टाइम दे दिया, उधर का कैंसिल कर दिया प्रोग्राम और बाबा को बचा लिया। साबित हो गया यही कर बाबा काल के गाल में जाकर निकल के चले आते। हमारी शास्त्र भी तो आई थी कोई माता, एक माता आई थी ज्योति माता और दूसरी माता आई थी दो, हाँ सुजान माता, हाँ अच्छा वो कनाडा से ही आई थी, और एक दूसरी माता थी इंग्लैंड की, मीरा माता, हाँ तो वो बाबा से नहीं मिल सकी, उनको कारण का पता नहीं चला, लेकिन कारण यही था कि बाबा भी आईसीयू में भर्ती थे और बचने की कोई संभावना नहीं थी डॉक्टर लोगों को। हम पिछले दो महीने से टिकट रिजर्व करवा के हम कोशिश कर ही रहे हैं, जैसे रिप्लाई मिले, हमको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, काफी लंबे अरसे हो गए हमारे आते आते। अजी अजी, तो इसलिए बाबा वहां नहीं पहुंचे, इधर सारा टाइम लगा दिया। जैसे सन 87 में भी एक साल लगातार बाबा नहीं आए अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी में, क्योंकि बाबा का 100 साल पूरा हो रहा था, ब्रह्मा के 100 साल होते हैं ना, वो पूरे हो रहे थे, उस लास्ट वर्ष में उन्होंने पूरी ताकत इधर लगा दी एडवांस का फाउंडेशन में, उनकी सेवा पूरा वर्ष एडवांस में सारी सेवा लगाई गई, इसलिए 88-89 में 9 कन्याएं निकल पड़ी एक साथ, सरेंडर हो गई पहली बार। बाबा जो 83 या 84 के बीच में वो मॉरिशस में जो 9 कन्याओं के सरेंडर जीके वालों ने की थी समर्पण समारोह, तो उन्हीं दिनों की बात है ना, यहाँ पर एडवांस में नव कुमारिया, एडवांस में तो 87-88-89 ये 3 साल में सर्विस ज्यादा हुई है और फाउंडेशन पक्का पड़ा और पहली बार 9 कन्याओं का हुजूम सरेंडर हुआ। दक्षिण भारत से
और बाबा लौकिक पढ़ाई पढ़ने में कहा जाता है कि 3% बुद्धि यूज करते हैं, 3% बुद्धि यूज करते हैं लौकिक पढ़ाई पढ़ने में है? तो बाबा आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने में कितना प्रतिशत बुद्धि यूज करते हैं? कौन मतलब हम बच्चे? ये किसने कहा 3% बुद्धि यूज की जाती है? नहीं ऐसा कहा जाता है। कौन कहता है? हम दूसरे की बात क्यों सुने? लौकिक पढ़ाई 3%। लौकिक पढ़ाई में 3% बुद्धि लगाते हैं? कौन लगाते हैं? ब्राह्मण परिवार के? दुनिया वाले। दुनिया वाले लगाते हैं। और ब्राह्मण दुनिया वाले तो 100% सरेंडर होकर रहते हैं। तो फिर पढ़ाई में है ब्राह्मण परिवार के 3% लगाते हैं? हाँ, बिल्कुल गलत। ब्राह्मण परिवार के लिए तो बोला हुआ है डॉगली पढ़ाई है, दुनिया की पढ़ाई, उन्हें तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हाँ बाबा, लेकिन नंबर वार होते हैं, कोई इंटरेस्टेड है कोई नहीं है, कोई दोनों तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, कोई ज्यादा जोर लौकिक पढ़ाई में देते हैं, लौकिक पढ़ाई में कम जोर देते हैं। एक जैसे थोड़े ही के 3% है, ऐसे कैसे कह सकते हैं बाबा? तो ये भी है ना, अगर वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश फ्रेंच, तो कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते? फ्रेंच पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कोई फ्रेंच कोई ऑल वर्ल्ड में नहीं बोली जाती है, कोई आ गया इंग्लिश, इंग्लिश ऑल वर्ल्ड में बोली जाती है। तो ठीक है, इंग्लिश पढ़ना है, माता जी आस्क अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इफ यू डोंट स्टडी इंग्लिश और फ्रेंच हाउ कैन वी डू सर्विस। बाबा सेड इट इज नॉट सेड अबाउट फ्रेंच, इंग्लिश इज रिक्वायर्ड बट नॉट अबाउट। सबको हिंदी सीखनी है, बाबा इज अप्रूव्ड इंग्लिश, नो रीजन टू स्टडी फ्रेंच। बाप का बच्चा है, माँ बाप का बच्चा है, तो मातृभाषा उस बच्चे को आती है या नहीं आती है? है, बाप का बच्चा है तो आनी चाहिए। माँ बाप का बच्चा है तो माँ बाप की भाषा बच्चे को आती है ना? चाहिए नहीं? नहीं आती है लोगों बच्चों को। क्या बात करते हैं, बच्चों को नहीं। आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे नहीं, आपके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपकी भाषा नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो फिर ये कंपल्सन है कि अगर माँ बाप का बच्चा है तो माँ बाप की भाषा जरूर बोलेगा, और बाप है सूर्यवंशी, सूर्य तो बच्चे भी सूर्यवंशी है, तो जो सूर्यवंशी घराने में आने वाले होंगे वो हिंदी बोलना जरूर जानते होंगे, या तो गूंगा है। करो अनुवाद। माता जी सेड सो एवरीवन हैज टू स्टडी हिंदी इज इट नॉट? बाबा सेड इफ दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स दे विल डेफिनेटली स्पीक द लैंग्वेज, दिस इज कंपल्शन। So, there won't be any problem. So, Baba is comparing to the Laukik world. Baba asked the Mataji, so your children, they do speak Hindi, is it not? Mataji said yes. In the same way, those who come in the father is Suryavanshi, so all the children who will come in the Suryavanshi dynasty, they will have to learn Hindi. कोशिश करेंगे तो जान जाएंगे, अभी हमारे पास बच्चे भाषा सीखने के लिए कोशिश नहीं करते, उनके अंदर ऑटोमेटिक बोलने लग पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ तेलुगु के कुछ बच्चे भर्ती करने आए थे तो हमारे साथ एक साथ थे, तो बात जब हम बात करते थे वो जानना चाहते थे कि हम क्या बात कर रहे हैं, और हम उनको समझा नहीं पा रहे थे
कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो उसमें से एक बहन थी जो हैंडीकैप थी, टीचर रही थी वो, तो वो बोल रही बाबा ने उसको वरदान दिया है हिंदी पढ़ाने के लिए टीचर, तो वो बोल लेती है। तो मैंने कहा आप समझाओ इन लोगों को कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो आपस में लड़ रहे थे कि ये हमको नहीं समझाती है, बोल रहे थे कि नहीं समझाती है हमको, बाबा ने कहा है टीचर, क्या नाम था उसका, सलवा रानी, आंध्र प्रदेश की थी। तो हमने कहा उससे कि आप इन लोगों को सिखा सकती है हिंदी, वे लोग उनमें से एक दो है जो कि पढ़ लेती है लेकिन समझती नहीं है, इतना तक तो वो जान गए हैं कि पढ़ सकते हैं लेकिन समझते नहीं है कि भाषा का क्या है। Before that, Mataji asked one clarification to Baba. So, by trying or by attempting, anyone will learn Hindi now. Baba said, if they are children, they will speak Hindi spontaneously. They will not have to try or attempt. Of course, it does take some time. But they will start speaking. और तो बाबा इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ कि आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने में हम अपने बुद्धि का कितना प्रयोग करते हैं, लौकिक पढ़ाई में आध्यात्मिक पढ़ाई कितना, ये तो नंबर वार है, कोई निश्चित थोड़ी कहा जा सकता है कौन कितना परसेंटेज में उपयोग करता है, अपनी बुद्धि लगाता है आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने में, सब नंबर वार है ना, कोई 1% भी नहीं होंगे, कोई 99% भी होंगे। तभी तो चले जाते हैं ना, तभी तो चले जाते हैं ना कोर्स, चले जाते हैं। हाँ जी, माताजी आस्क्ड द क्वेश्चन बिफोर दिस, माताजी आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इट हैज बीन साइंटिफिकली सेड दैट व्हाइल स्टडीइंग द लौकिक स्टडीज दे विल यूज 3% ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल पावर, सो बाबा नेगेटेड दैट सेइंग दैट वेयर हैज इट, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड, so Baba said why should we listen to the what has been said in a different way, in different ways in the outside world, so Mataji wanted to clarify this about how much of our intellect, how much power of the intellect will we use for studying the adhyatmic studies, so Baba said there are number wise children, there are some who use just 1% of it and there are some who give 99%. Baba, रामपाली आत्मा हर धर्म में जाकर राजधानी का स्थापन पाना और विनाश करते हैं, रामवाली आत्मा हर धर्म का स्थापना नहीं करती है, हर धर्म की राजाई का स्थापना करती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 16,000 में या 4,00,000 में वे भी हर धर्म में जाकर बाप का साथ दें? 16,000 में और धर्म की भी तो आत्माएं हैं, जो 9,00,000 हैं उनमें और धर्मों के भी तो बीज हैं, जो एग्जैक्ट सूर्यवंशी हैं वो ही साथी बनते हैं, सब थोड़े ही साथी बनते हैं। बाबा तो हर बार जैसे कि बाबा बोलते हैं कि अंत में सब बच्चे बाबा का साथ छोड़ देंगे, ये कैसे हो सकता है? माया किसी को छोड़ती है या सबको हप करती है?
माया किसी को छोड़ देती है या कि सबके ऊपर वार कर देती है? तो माया से लड़ते लड़ते आ रहे हैं। हाँ, लेकिन तो माया यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा को भी नहीं छोड़ा, तो दूसरों को छोड़ देगी? छोड़ेगी? बाबा ने तो बोला है माया किसी को छोड़ती नहीं है। राम वाली आत्मा जो विश्व का मालिक बनती है उसको ही नहीं छोड़ा, तो औरों को छोड़ेगी? अरे ना ना ना, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, जवाब तो देना चाहिए। तो हम तो कहते हैं हम साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर कहते तो सभी हैं हम साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर जब फाइनल पेपर हो तभी तो पता चले कौन कितने पानी में। माता जी आस्क द क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू इट हैज बीन सेड इन द मुरली नो इन द एंड एवरीवन विल लीव बाबा सो व्हाई इज इट सो बाबा सेड इट हैज बीन सेड माया विल नॉट लीव एनीवन इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ इट डिडंट इवन लीव द सोल ऑफ राम हु बिकम्स द एम्परर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड So when he himself was not left by Maya, so will it leave anybody? At some Baba says I have to go to Suprema Court in Baba says Baba, they have no choice, has to go to Suprema Court. That is in so conscious state. That's what he meant, Baba. Baba went. If everybody opposes him, there's nothing he can do. Only go to Supreme Board. That means soul conscious. He will have to come to that stage. Only that is the solution. Mataji ye keh rahe. मतलब इसका समाधान एक ही है कि परंधामी स्टेज में जाके सबको परंधाम वापस जाने हैं, इसी का मतलब है क्या? किसका मतलब? हाउ कैन बोथ ऑफ देम बी कोरिलेटेड? सब साथ छोड़ देंगे करके बोल रहे हैं। हाँ, सब साथ छोड़ देंगे, इसी दुनिया में तो रहेंगे साथ छोड़ने वाले, परमधाम थोड़े चले जाएंगे, परमधाम की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। माता जी ये कह रहे हैं कि सब साथ छोड़ देंगे तो तब जो है कि सुप्रीम सोल उस समय कि परमधाम चले जाएंगे क्या? विनाश टोटल विनाश नहीं हुआ है तो बाबा परमधाम वापस कैसे जा सकते? बाबा को तो संगम युग में ही आना है, और संगम युग में भी आधा हिस्सा छोड़कर ही चले जाएंगे। 500 करोड़ को लेके जाएंगे या किसी को छोड़ के जाएंगे? बाबा इज सेइंग दैट इफ व्हेन वंस बाबा हैज कम ही टेक्स ऑल द 500 कोर्स विद हिम अदरवाइज हाउ कैन ही गो? नो ही कैन गोस वे ही इवन इवन इफ ऑल आर मिसिंग देयर ऑल आर लेफ्ट स्टेज व्हाट इज द स्टेज अटेन गेट टू मी एट दैट स्टेज मींस He is here, but stage means Baba is already in that stage. No, that is all. Which stage ki baat kar rahi hai? Nirakari stage ki baat kar rahi hai. Soul conscious stage. Yeah. Soul conscious Baba is so conscious. About which Baba you are saying? She is there in the soul. Nirakari stage heavy stage. Nirakari already. Soul conscious stage. बच्चों को निराकार स्थिति बाबा इज सेइंग इफ दैट मींस दैट द चिल्ड्रन आर लिविंग बाबा दैट मींस इट डजंट मीन दैट दे आर लिविंग द बॉडी एंड दे आर गोइंग टू फॉर सुप्रीम अबोव इट इज दैट जस्ट दे आर लिविंग दे आर गोइंग अवे इन दिस वर्ल्ड एंड सुप्रीम सोल विल नॉट गो ही कैन नॉट गो विदाउट टेकिंग द चिल्ड्रन बोला है ना ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा तो ज्ञान सरोवर कोई स्थूल की बात थोड़ी है
ये तो बुद्धि में जो ज्ञान बैठाया गया है अभी तक, बेसिक ज्ञान या एडवांस ज्ञान, तिलांजलि दे दो, सब झूठा है। बाबा इसके लिए मैं एग्जांपल दैट ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना, दैट मीन्स इट इज नॉट दैट इफ यू आर लिविंग ज्ञान सरोवर, दैट मीन्स इट्स नॉट दैट इट इज स्थूल ज्ञान सरोवर, दैट मीन्स इट्स नॉट दैट द ज्ञान सरोवर इन दिस सेंस, इन द प्रैक्टिकल सेंस, इट इज इन अनलिमिटेड सेंस, अनलिमिटेड सेंस, दैट मीन्स दैट दोज पीपल हु आर गार्डिंग दे हैव टू लिव द लिव दैट अटैचमेंट टू दैट अनलिमिटेड। मतलब बीके का ज्ञान छोड़ने की बात है, बीके का एडवांस का सारा ज्ञान सब झूठा है। एडवांस का कैसे छूटा है, एडवांस को छोड़ कर जाते नहीं ये लोग, झूठा नहीं बैठती है बाबा, तो वे छोड़ कर चले जाते हैं, और जो चल रहे हैं ज्ञान में उनकी, उनको माया नहीं खा जाती है, खाती तो है, तो ऐसे ही जो आगे चल ऐसे ही, अभी तो फाइनल पेपर नहीं हुआ है ना, अभी तो साधारण पेपर चल रहे हैं, आगे चल के तो फाइनल पेपर होगा, अभी भी कड़े कड़े पेपर आते हैं बाबा। हाँ अभी, अरे आपके बुक से निकल रहा है कड़े पेपर आते हैं, इसका मतलब आप हिल जाते हैं? नहीं हिलती हूँ बाबा, अरे मैं तो आप कड़े क्यों कहते हैं फिर उन्हें, लड़कर आई फिर आप कड़े क्यों कह रहे हैं, आप तो ये कहिए वो तो साधारण पेपर है, ऐसे ही आते रहते हैं, आपके मुंह से निकला कड़े पेपर है, कड़े हैं माने आपको हिला देते हैं, अभी आप हिल रहे हैं, तो जब फाइनल पेपर होगा उसमें तो बहुत जबरदस्त जंग होगी, अच्छे अच्छों को, बड़े बड़े महारथियों को, 8 महारथियों को भी हिला देगी, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे उनके, मतलब ये होना ही है, हैं? मतलब होना ही है, ये सब होना ही है, नंबर लगने के कारण हाँ बच्चे हार जाएंगे, नंबर तो लगेंगे ना, अगर कोई कहते हैं हम माया की चपेट में नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब वो तो ऊंचे नंबर में आने वाले हैं, अष्टदेव तो वो ही हो गए, सब तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो ये अष्टदेवों के भी नंबर लगने हैं, फिर तो जब माया अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती है तो कोई कैसे कह सकता है कि ये तो नहीं हो सकता, बाबा सेज इन द एंड अ वेरी स्ट्रांग पेपर विथ रिस्पेक्ट टू द टेस्ट ऑफ फेथ विल कम विच विल इवन शेक अप द 8 deities ऑल्सो, इट विल नॉट दे विल ऑल्सो बी लेफ्ट शेकन बाय दैट स्ट्रांग पेपर। सो माताजी सेड दैट इवन नाउ वी फेस strong papers as such, so Baba says that they cannot be said as strong papers, mm-hmm. if we say that they are strong papers, mm-hmm. that means we are shaken by them, so we should not be shaken by them, they are ordinary papers, the strong paper is yet to come in the end, which will shake up everybody, it will shake up even the 880s also. If it doesn't shake, then if it doesn't shake them up, then the numbers will not be declared. So Baba says everyone will think Baba. So what happens? What happens next, Baba? What will Baba do? Baba, Mataji पूछ रहे हैं, इसका मतलब सारे छोड़ देंगे ना? जब सब बाबा को छोड़ देंगे, तो बाबा बाद में क्या होगा? बाबा क्या करेंगे? जितने भी आसमान में सितारे हैं, उनमें कोई सितारा ऐसा है जो अटल रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है? Amongst all the stars in the galaxy, is there any such star which doesn't move here or there, will stay fixed in its own location? Baba is asking the question. You answer, Baba. Means amongst all the stars in the galaxy,
amongst all of them, is there any such star which stays in its fixed location and doesn't move here and there? So that means Baba will... No, Baba is asking the question, so you answer. He's referring to the physical stars in the galaxy. With respect to the physical stars which are located in the galaxy, is there any such star which stays fixed in its own location and doesn't move here or there? No. Mataji bol rahe nahi. Nahi. Dhruva Tara ka naam nahi suna hai. Dekha nahi kabhi. Have you not heard about pole star? Pole star. Not seen it. एस्ट्रोलॉजिस्ट जानते हैं, वो बताएंगे आसमान में एक सितारा ऐसा भी है जो नॉर्थ दिशा में ही दिखाई पड़ता है और उसी जगह फिक्स रहता है, हिलता ही नहीं है, न इधर उधर चक्कर काटता ही नहीं. एस्ट्रोलॉजिस्ट दे से दैट देयर इज वन सच स्टार व्हिच रेफर्स टू पोल स्टार व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड इन इट्स ओन पोजीशन एंड विल नॉट मूव अबाउट हियर एंड देयर. बाबा बोलते हैं तुम बच्चे सितारे हो, आसमान के सितारे. यू चिल्ड्रन आर द स्टार्स विद रेफर टू द विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स इन द गैलेक्सी. उस आसमान में भी 9 लाख सितारे गाए जाते हैं. देयर इज अ सेइंग अबाउट द 9 लाख स्टार्स इन द गैलेक्सी. वो हैं आसमान के जड़ सितारे. दे आर द फिजिकल स्टार्स ऑफ द फिजिकल गैलेक्सी. तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य सितारे. यू चिल्ड्रन आर द लिविंग स्टार्स ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. तो उन सितारों में नंबर वार हैं, कोई छोटा सा चक्कर काटते हैं, कोई बहुत चक्कर काटते हैं, कोई चक्कर काटते ही रहते हैं, कोई इकट्ठे होके रहते हैं, कोई आज चंद्रमा के पास है कल दूर चले जाते हैं. Amongst them also there are variety stars. Some have a very small orbit and some have a very large orbit. Some stay as a group together and there are some who stay with the moon now and tomorrow they move away from the moon. So all different varieties of stars. What means they represent Brahma Baba? Means he's comparing. So you have to कंपेरिंग द सेम टू द चैतन्य सितारों के साथ कंपैरिजन करना. आज से 15 साल पहले कंपेल में छोटी सी परीक्षा हुई तो 40 बहनें तो भाग गई तुरंत 2 दिन के अंदर ही. सरेंडर्ड हैंड्स. 15 years previously from this date, a small test took place in Kampil and 40 surrendered sisters left the ashram and went away within 2 days. उनमें से कई एक तो अभी बड़े बड़े सेंटरों की एडवांस में इंचार्ज बनी बैठी है. Amongst them, many senior sisters are still there as the in charges of the advanced centers now presently. बाबा ने वार्तालाप में एक बात समझाया था कि ये ब्रह्मांड के चारों ओर मतलब आत्माएं रहती है ब्रह्मांड के चारों ओर. और जैसे कि ये 3 धाम के चित्र में उसके चित्र में ऊपर झाड़ के रूप में दिखाया गया उल्टा झाड़ के रूप में सेक्शन वाइज सब आत्माएं वहाँ पर दिखाया जाता है. तो अब ये कैसे क्लियर होता है कि चारों ओर जब फैले हुए हैं तो उनका सेक्शन कैसे समझेंगे? वो तो उनकी स्टेटस दिखाया गया है झाड़ में. सेक्शन झाड़ में दिखाया गया है. कोई आत्माएं तो नजदीक हैं और कोई बहुत दूर हैं. जो मनुष्यों का झाड़ है उनमें अंत में आने वाली आत्माएं
वो तो फिर भी मनुष्य हैं, लेकिन कीड़ों की आत्मा है, मकोड़ों की आत्मा है, पशुओं की आत्मा है, पक्षियों की आत्मा है, उनसे भी नीची स्टेज में रहती है। भगवान से बहुत दूर है, मनुष्यों के मुकाबले भी दूर है। लेकिन इस चित्र में सीमित दिखाए गए हैं। वो तो स्टेटस दिखाया गया है। स्टेटस? हाँ। कितने आत्माओं की स्टेटस है? असंख्य आत्माएं हैं। कीड़े मकोड़ों को कोई गिन पाएगा क्या? कीटाणुओं की आत्माओं को कोई गिने से गिनेगा? एक खून के बूंद में मलेरिया के टाइम कितने कीटाणु होते हैं? फिर और सब आत्माएं परमधाम जाएंगी। कोई की स्टेज नीची होगी, कोई की स्टेज शिव सुप्रीम सोल के बिल्कुल नजदीक होगी। बाबा फिर ये क्रिया कीजिए कि ये चारों ओर आत्माएं हैं, तो क्या परमधाम चारों ओर है, ब्रह्मांड के चारों ओर? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के आसपास वायुमंडल भी गोल है, वायुमंडल के आसपास स्पेस भी गोल है, तो परमधाम कहाँ है? स्पेस के चारों तरफ परमधाम ही परमधाम। शिव बाबा कहाँ स्थित है? वो कोई स्थूल चीज है क्या? वो चारों ओर रहते हैं। बिल्कुल। She asked the question with respect to how can it be so that Paramdham can be located all around the earth? How can it be? So Baba said, you know that the earth is round. So covering the round earth is the atmosphere, which covers the entire earth as round. And covering the atmosphere is the space. And so covering the space is the Paramdham. So circular? Circularly. It is covering the entire space. So Mataji then asked the question, so where is Supreme Soul located in it? So Baba said, it is not a physical thing to be located somewhere. जो आत्मा संपन्न स्टेज वाली होगी वो सबको कवर करके रहेगी। स्टेटस दिखाया गया जहाड़ में, कुर्सी दिखाई गई है। जैसे मिलिट्री मार्शल होता है वो पूरी मिलिट्री को कवर करके रहता है, उससे नीचे का जो ऑफिसर होगा वो मिलिट्री मार्शल को कवर नहीं करेगा, उसके ऊपर ऑर्डर नहीं चला सकता, बाकी जो नीचे के उन सबको कवर करेगा। ऐसे ही है। तो सूक्ष्म वतन के परे परमधाम का? सूक्ष्म वतन कोई स्थान नहीं है, ये बुद्धि की स्टेज है। शंकर जैसी आत्माओं की स्टेज ऊंची है, शंकर की स्टेज ऊंची है, विष्णु की स्टेज उतनी ऊंची नहीं है, विष्णु की स्टेज उससे नीचे है, और ब्रह्मा जैसी आत्माओं की स्टेज और नीचे है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों वो उतनी ज्ञान की गहराई को पकड़ ही नहीं सकते जल्दी। ये मनसा की स्टेज दिखाई गई है। क्या आप सूक्ष्म वतन में नहीं जाते हैं? कैसे तो रहते हैं? कैसे? बुद्धि से ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो इस शरीर को भूल जाते हैं, दुनिया को स्थूल को भूल जाते हैं, ज्ञान की बातों में रमण करते हैं, सेवा की बातों में रमण करते हैं, जो नई दुनिया आने वाली है उसके बारे में मनन चिंतन मंथन करते हैं, ये दुनिया भूल जाती है। वो सूक्ष्म वतन की स्टेज है। अब कोई बहुत गहराई में चला जाता है, बहुत सूक्ष्म स्टेज में चला जाता है, वो शंकर की जैसी स्टेज में, मीडियम है तो विष्णु है, वो
उससे भी नीचे है तो ब्रह्मा जैसे। और जितने भी सभी धर्म की आत्माएं है ब्रह्मलोक से ऊंची, ब्रह्मा के सूक्ष्म बतन से ऊपर थोड़ी जा सकती है। ब्रह्मा की गोद में जो भी पलने वाली आत्माएं हैं, प्यार लेने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा के सूक्ष्म बतन से ऊंचे नहीं जा सकते। बाबा तो क्या सूक्ष्म बदन में आना जाना होता है? आप मनन चिंतन मंथन में जाते नहीं है? हाँ। आते नहीं है, फिर आना जाना हो रहा है ना। माता जी आस्क द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सूक्ष्म बदन, इज इट पॉसिबल दैट वी गो एंड कम इन टू सूक्ष्म बदन? सो बाबा इज आस्किंग are we not in the stage of constant churning? So when we are in the stage of churning, we are going no and coming back. Yes, so it is not compared to the physical, thing. Something to understand. Baba अक्सर कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी लिखो, तो ये बात सिर्फ सूर्यवंशियों के लिए लागू होती है? बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। हाँ, बोलते हैं कि जीवन कहानी लिखने के लिए नहीं बोला, अपने पास्ट की बातें तो भूलने के लिए बोला है। जीवन कहानी लिखेंगे बैठ जाएंगे तो सारा पिछला याद आता रहेगा। और है वैसे भी तो हम पास्ट इज पास्ट, पास्ट को याद ही नहीं करना है। होता मेल लिखने के लिए बोला है, जीवन कहानी नहीं। अगर जीवन में काम विकार से संबंधित, क्रोध विकार से संबंधित, लोभ विकार से संबंधित कुछ भूलें हुई हैं, तो वो भूलें लिख करके बाबा को देनी है। उसमें शॉर्ट में लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं कथा कहानी लिखने बैठ जाए। लेकिन बाबा अगर वो बातें हम भूल चुके हैं, याद करना ही नहीं चाहते हैं, तो उसका लिखना जरूरी है? जो भूलें की हैं काम विकार की, नरक बनाने वाली, व्यभिचारी दुनिया बनाने वाली, वो तो बार बार याद आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो भूल, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जरूर याद आएंगे। वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो पाप कर्म किए हैं वो याद ना है। मुख्य विकार है काम विकार। काम विकार के संबंधित जो अक्षम में भूले हैं, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वो अक्षम में भूले जिसने की हैं उसको याद जरूर आएंगे। असंभव है जो याद ना है। और दुनिया की राम रहेंदा भूल जाओ, भूलना ही अच्छा है। माता जी आस्क द क्वेश्चन with respect to it has been said now that we need to, each and every person need to write his own biography. Baba said no. Baba has never said so. If we start writing our biography, then we are going back to the old world. Baba has told us to forget about the old world, about the past is past. Of course Baba has always said that we need to write about our Potama, not the biography. We have to forget the past. And Baba says all the blunders that have been committed with respect to the vices of lust, vices of anger, vices of misery, so and that which keep on hurting us in our thoughts, in our dreams, which keeps hurting us in our thoughts and dreams, that we need to write down. So Mataji asked that there are many such mistakes which we have committed or which we may have been compelled to commit because of others and which we would have forgotten. So what about them? So Baba said that
all the inexcusable blunders which we have committed mm-hmm. with respect to the society, mm-hmm. with respect to the Ishwar, mm-hmm. which keeps on haunting us mm-hmm. repeatedly. Mm-hmm. It is not possible that we would have forgotten it. Mm-hmm. So we need to write it down. Advanced knowledge is entirely different from detailed knowledge, you know, now only depth of it. Advanced knowledge jo hai, puri tarah se alag hai na, alag talag hai na, BK knowledge se. Iski gehrai to bahut zyada hai. Nahi, alag talag nahi hai. Koi baat aisi nahi hai jo murli ke bahar ho. Baba is telling it's not different from the BK. There is no such thing which is which has deviated away from the murli. The meaning we get here, when we churn it. हम मनन चिंतन करने पर जो अर्थ जो सार निकल रहा है यहाँ पे वही मुरली जब हम यहाँ उसको मनन चिंतन मंथन करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलते हैं गहराई का उसकी बात बोल रहे बहुत फर्क है बीके और एडवांस में कोई फर्क की बात बताइए कैन यू गिव एन एग्जांपल How different it is. Krishna floating in the pineapple leaf, and they explained to us because could this kind of thing happen in the world because with the flesh and bone, Krishna with the flesh and bone, can she be floated in the leaf? Krishna, jo people. This is all scriptures. That's what we are told. That's all scriptures. We should not believe. पीतल के पत्ते पर कृष्ण आया जो बात है तो स्थूल दुनिया में तो जो हम हड्डी मांस का जो स्थूल में ही समझते हैं स्थूल में पीपल का पत्ता है स्थूल में कोई बच्चा है स्थूल में कोई सागर है ऐसे आया लेकिन ये तो संभव ही नहीं है ये संभव है कि छोटे से पीपल के पत्ते पे कोई बच्चा बैठा हो और वो सागर में बड़े मजे में आ हा हा किलो भरता रहे ये संभव है तो इसका मतलब है कोई गुही अर्थ है पीपल का पत्ता माने कोई ऐसी आत्मा है झाड़ की जो बहुत हिलती है सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में झूलती है कौन है हैं प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता तो वो तो बीज है वो तो स्थिर रहता है कौन आत्मा है जो बहुत निश्चय अनिश्चय के चक्कर में डोल रही है अभी भी डोल रही है जगदम्बा हाँ हाँ तो वो जगदम्बा हुआ पीपल का पत्ता नाउ नाव हिल रही है सत्य की है नहीं या सत्य की डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ इनको ऑल द थिंग्स विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द स्क्रिप्चर्स विथ रेस्पेक्ट टू द पीपल लीफ एंड द कृष्णा एज अ चाइल्ड फ्लोटिंग very calmly, carefree, people on the people leaf and on a physical in the physical ocean, this cannot happen. So it refers to such a soul which is a part of the tree. And that leaf is a part of the physical part of the tree. बनियन ट्री यार कल्पवृक्ष का कोई ऐसा पत्ता है बहुत हिलता है दैट लीफ ऑफ द कल्पवृक्ष ऑफ द बनियन ट्री विच वेवर्स अ लॉट इन द साइकल ऑफ फेथ एंड फेथलेसनेस इट कीप्स रॉकिंग दैट द बोट कीप्स रॉकिंग बट द बोट इज द Of course, it has got
truth in it, but it rocks a lot. हाँ, तो पीपल का पत्ता है जगदम्बा, दैट पीपल लीफ इज जगदम्बा, उसमें बैठने वाला है बच्चा ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण, इन इट सीटेड इज द सोल ऑफ ब्रह्मा अलियास कृष्ण. जो अंगूठा चूसने का जो अर्थ है, आत्मा को चर्निंग कर रहा है, चर्निंग द सोल, चर्निंग द सोल, जी नॉलेज, द सोल इज चर्निंग द, वो अंगूठा चूस रहा है सागर, संसार सागर में पड़ी हुई है नैया. The boat is located in the ocean of the ocean of the society. Society. Dunyavi. The world, the society world. Dunyavi sansar mein wo navaiya dol rahi hai, lekin pakka hai ki wo dubegi nahi. Kyon nahi dubegi? Kyunki Krishna usme bithaiya hai. और शिव बाबा उसको खिवैया है. दैट बोट इज लोकेटेड इन द वर्ल्डली सोसाइटी एंड इट इज रॉकिंग, बट बाबा सेज दैट इट विल नेवर सिंक बिकॉज द वन हु इज सीटेड इज कृष्ण एंड द वन हु इज द बोटमैन इज शिव बाबा. शिव बाबा है, शिव बाबा उस नवैया को खेने वाला है, इसलिए वो डूब नहीं सकती. ही इज द बोट, ही इज द person manning the boat, Shiv Baba. So the boat will never sink. Baba says. See, but he takes the boat across the to the other side of the. मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी, पार जाएगी. Yes, it will cross from one bank to another. हाँ जी.